हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन अग्नोत्री ब्लॉग। तो गाइस, अभी आपने मेरा एक ब्लॉग देखा होगा जहां हम मंडी हाउस में थे और वहां पर हम सीरम सेंटर और जो दूसरा हमारा एनएचडी घूमे, मैं और मेरा भाई। अब साथ ही साथ अब पास में आए तो हम जा रहे हैं इंडिया गेट देखने के लिए, और जहाँ इंडिया गेट के चारों तरफ का व्यूज वगैरह जो भी है वो हम सारा कुछ आज के ब्लॉग में दिखाएंगे। और आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इंडिया गेट के साथ साथ आपको कई सारी चीज़ें देखने को भी मिल सकती हैं आज के ब्लॉग में। तो पूरे दिन यही हो रहा है। तो गाइस, पुराने ब्लॉग अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक करें। और आप NHD सीरम सेंटर ये वाला ब्लॉग आपने नहीं देखा है तो आप जाएं, चैनल पर आपको ज़रूर ज़रूर मिल जाएगा। और जो भी जानकारी पूछनी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इन दोनों जगहों पर घूमा हूँ, कोई भी जानकारी नहीं ली है, वो मैंने आपको दिखाए हैं। तो अभी चलते हैं इंडिया गेट पर, सीधे मिलते हैं। तो गाइस, अभी इंडिया गेट पर पहुँचने वाले हैं, लेकिन आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट है, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है और चलते चलते थक गए हैं हम। तो जैसे ही इंडिया गेट आ जाएगा तभी हम वहाँ का ब्लॉग शूट करेंगे और आपको दिखाएंगे सारा कुछ। तो गाइस, आए हम पहुँच चुके हैं इंडिया गेट पर जो कि पीछे है, और यहाँ पे अभी हमको निकलना है थोड़ा बहुत। तो अभी निकलना है, तिलक मार्ग पर है, अभी आपको हम दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस अभी फाइनली पहुँच चुके हैं, और ये रही सामने। तो गाइस अभी हम बैक कैमरे से मैं आपको दिखाऊंगा, तो बैक कैमरा स्टार्ट। ये रहा इंडिया गेट, कितना बड़ा है यहाँ पे। अभी हम इंडिया गेट के पास ही पहुँचने वाले हैं, थोड़ी सी दूर है। और ये सामने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई है, और यहाँ पे देख ही रहे हैं चारों तरफ का। तो गाइस सामने अभी काफ़ी बहुत लंबा रास्ता है, तो इसलिए थोड़ी बहुत वीडियो रोक के बनानी पड़ती है ये ब्लॉग, और फिर ब्लॉग भी पूरा कंप्लीट करना है। मैं दिल्ली फर्स्ट टाइम आए हैं, इंडिया गेट फर्स्ट टाइम। तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। तो गाइस अभी हम फर्स्ट टाइम ही आए हैं, और आपको सामने दिखाई दे ही रहा है इंडिया गेट और ये सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। तो अभी सारा कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है ये ब्लॉग। इसलिए हम इंडिया गेट पर पहुँच चुके हैं, और कई दिनों की मेहनत के बाद पहली बार फर्स्ट टाइम हम इंडिया गेट देखेंगे। फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ ना, जैसे धरती पर आए तब से पहली बार, जब से धरती पर आए तब से पहली बार ही इंडिया गेट देखेंगे, और उसके बाद पहली बार ही ताजमहल देखेंगे, जो कि बहुत जल्द हम ताजमहल पर भी जाने वाले हैं। तो गाइस यार, हाँ, और हाँ, ताजमहल का नेक्स्ट ब्लॉग जहाँ तक है ताजमहल का ही होगा। तो गाइस यार, चैनल को यार जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही मस्ती वाले ब्लॉग एंड डेली ट्रेवलिंग वाले ब्लॉग के लिए आप हमारे से YouTube चैनल पर बने रहें, देखें। तो गाइस अभी मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो ये रहा सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, और ये रहा शहीद स्मृति, ये स्मारक मार्क था नेशनल वॉर मेमोरियल का, जो कि सामने था। और ये यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, और ये रहा इंडिया गेट जो काफ़ी भीड़ से भरा हुआ है। अच्छा, इंडिया गेट पर कई सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। जैसे कई सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, और आप मुझे ज़रूर ज़रूर बताएं कमेंट करके कि किस किस मूवी की शूटिंग हुई है। और अभी हम इंडिया गेट की तरफ आगे बढ़ेंगे, और ये यहाँ देखे कितनी पास से दिखा रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति इंडिया गेट के जस्ट सामने। इंडिया गेट, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति और शहीद स्मृति, जो कि पीछे मैंने आपको दिखाया था। तो गाइज आप सभी मुझे पता है कि एंजॉय कर रहे होंगे हमारे इस ब्लॉग को, और हम हार भी चुके हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र हो गया था हमारे लिए, और हम आ चुके हैं। अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कितनी जनसंख्या है। ओ भाई ना, कितनी जनसंख्या है। लेकिन आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि यहाँ किस मूवी की शूटिंग हुई है इंडिया गेट। और ये रहा सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति। तो गाइस फाइनली हम इंडिया गेट पर पहुंच चुके हैं, जहां मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं इंडिया गेट। और पीछे
सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, और बैक कैमरे से भी मैं दिखा देता हूँ। और ये यहाँ का चारों तरफ का व्यूज, कितनी भीड़ है। तो भाई ये चारों तरफ का यहाँ का व्यूज है इंडिया गेट के चारों तरफ का। आई होप आप सभी इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइज एक बार फिर हम जूम करके मतलब पास से दिखाएंगे इंडिया गेट, और उसके जस्ट नीचे हैं हम। तो अभी बैक कैमरे से सारा कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखें इंडिया गेट, और ये यहाँ इंडिया गेट के इधर हमने अभी कई सारे फोटोज वगैरह खींचे हुए हैं। तो आप सोशल मीडिया से भी हमको जुड़ सकते हैं, कई सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं। तो अभी हम चारों तरफ का एक बार और नज़ारा दिखाते हुए और इस ब्लॉग का एंड करते हैं। तो गाइज आज का यह ब्लॉग इंडिया गेट वाला यहीं तक है। नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी मिलेगा और पता नहीं कहाँ का होगा। और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आज का ब्लॉग डी एंड यहीं पर होता है। इंडिया गेट को देखने के लिए कितनी भीड़ है भाई, है ना।